मैं मनोज की बड़ी सिस्टर हूँ। मनोज को आज एक महीना हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। जब पुलिस वालों के घर में जब किसी को थोड़ी सी भी खरोच आ जाती है तो वो लोग पूरे हरियाणा को सर पे उठा लेते हैं। आज हमारे भाई को इंसाफ देने के लिए उन्होंने एक महीना निकाल दिया, और एक महीना निकलने के बाद भी अभी तक पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही, तो हम बहने कहाँ जाएंगी? अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दोगे, हमारा सहारा नहीं बनोगे, आप लोगों के साथ से ही हम मनोज को इंसाफ दिला सकते हैं। हमें मनोज के कातिलों का पता लगाना है, और हम चाहते हैं कि पुलिस जल्दी से जल्दी मनोज के कातिलों का पता लगाए और हमें इंसाफ दिलाए। हम हमारी भाई की आत्मा को शांति देना चाहते हैं, जो कि पुलिस वाले अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक महीना हो गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ भी सुराग नहीं दिया। हाँ जी, आज हमें अखिल भारतीय जनवादी महिला संघ की तरफ से ये अपना पुतला फूंका है प्रशासन का, वो इस बात के लिए कि 18 तारीख को जो मनोज की हत्या हुई और उसके बाद 19 तारीख को बच्चियों ने डेड बॉडी मिली अपने भाई की, और बार बार इन्होंने DC से SP से गुहार लगाई है, उसका आश्वासन दिया जा रहा है सूखा। अगर इन बेटियों को न्याय मिलेगा बेटा, न्याय मिलेगा। हम प्रशासन से पूछना चाह रहे हैं, अगर जो 5 बहनों का एक भाई था, आज ये बेटियाँ एक तरफ से अनाथ होकर बैठगी, प्रशासन के जू तक नहीं रहेंगी, और कह रहे हैं आज देखेंगे कल करेंगे, आप हमारे साथ चलो। हम पूछना चाह रहे हैं लड़कियाँ कहाँ जाएंगी प्रशासन के साथ? प्रशासन की क्या जिम्मेवारी है? कोई भी गुंडागर्दी हो उसकी तरफ प्रशासन कोई ध्यान नहीं। अगर कोई शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है तो उधर प्रशासन दौड़ के जाता है। तो हम मांग करते हैं 23 तारीख से पहले अगर प्रशासन गुंडों को गिरफ्तार करे, अन्यथा 23 तारीख को जो हमारा बड़ा प्रोग्राम होगा उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। हम पीछे हटने वाले नहीं है, बेटी को न्याय दिया करेंगे मनोज यादव को।